हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्की। स्वागत करता हूं आपका करियर कोडिनेट चैनल में। डिजिटल मार्केटिंग के सीरीज में हम सीखेंगे वीडियो मार्केटिंग। वैसे वीडियो मार्केटिंग कोई नई चीज नहीं है, वीडियो मार्केटिंग आपके मार्केटिंग प्लान का जरूरी हिस्सा हो सकता है। सोशल मीडिया की ग्रोथ से तो वीडियो मार्केटिंग और भी जरूरी हो गया है, खास करके यूट्यूब जैसे फ्री वीडियो शेयरिंग साइट्स की वजह से। अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वीडियो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो कहीं आप पीछे ना रह जाएं अपने कंपटीशन से। और स्मार्टफोन्स में बढ़िया कैमरा क्वालिटीज की वजह से तो अच्छे क्वालिटी के वीडियोस बनाना और भी आसान हो गया। लेकिन आखिर वीडियो मार्केटिंग है क्या, आइए बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। वीडियो मार्केटिंग वो एक्टिविटी है जिसमें आप वीडियो का इस्तेमाल करते हो काफी चीजों के लिए, जैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए, अपने सोशल चैनल्स जैसे YouTube, Facebook एक्सेट्रा पर ऑडियंस का एंगेजमेंट इंक्रीज करने के लिए, अपने कस्टमर्स को एजुकेट करने के लिए, अपने ऑडियंस तक एक नए माध्यम के जरिए पहुंचने के लिए। दोस्तों 2016 में वीडियो मार्केटिंग काफी तेजी से ग्रो हुआ। अब तो वीडियो मार्केटिंग एक बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी के रूप में उभर चुका है। दोस्तों कुछ स्टडीज के अनुसार ज्यादा लोग वीडियोस देखना प्रिफर करते हैं दूसरे तरह के कंटेंट के कंपैरिजन में, और वीडियोस में समझना ज्यादा आसान होता है ना काफी लोगों के लिए। वीडियोस सेल्स पीपल के लिए भी काफी यूजफुल होता है, वो अपने प्रोस्पेक्ट्स को बायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग के जरिए जो एनालिटिक्स में डेटा आता है, उस डेटा को एनालाइज करके वो पता कर सकते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके उनके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के चांसेस हैं, फिर वो उनको कस्टमर में बदलने के लिए स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है फेसबुक पर जो आप ब्रांड्स के वीडियो एड्स देखते हो, उन एड्स पर जो इंटरेक्शंस या एंगेजमेंट होते हैं जैसे लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स एक्सेट्रा, उनका डेटा मिल जाता है और फिर उसे एनालाइज किया जाता है। इससे पहले कि आप वीडियो मार्केटिंग करें, आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके बिजनेस के लिए कौन से टाइप के वीडियो ज्यादा यूजफुल रहेंगे। दोस्तों देखिए, वीडियो मार्केटिंग में हम काफी तरह के वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें से कुछ टाइप्स आपको मैं बता देता हूं। ब्रांड वीडियोस, इस तरह के वीडियोस बड़े पैमाने पर कंपनीज बनाती हैं अपने टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। ये वीडियोस हो सकते हैं कंपनीज के प्रोडक्ट्स या सर्विसेस या कंपनी के हाई लेवल विजन के। एग्जांपल बताऊं तो सैमसंग के एनिमेटेड ब्रांड वीडियोस, डेमो वीडियोस, इस तरह के वीडियोस नॉर्मली ये दिखाते हैं कि आपका प्रोडक्ट काम कैसे करता है। जैसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हो तो उसको चलाने का प्रोसेस इसमें होगा। एनिमेटेड वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस का इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर आप चीजों को एनिमेशन के जरिए बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इवेंट वीडियोस, आपके बिजनेस में अगर आप किसी तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसकी एक हाइलाइट्स की वीडियो बनाकर आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की और उसके लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना लीजिए और उसे पब्लिश करके इस्तेमाल करें अपनी मार्केटिंग के लिए। फिर है एक्सप्लेनर वीडियोस। एक्सप्लेनर वीडियोस में आप अपने ऑडियंस को बता सकते हैं कि क्यों आपका प्रोडक्ट उनके काम का है। फिर है टेस्टिमोनियल वीडियोस। आपके जो सेटिस्फाइड और लॉयल कस्टमर्स हैं उनके मुंह से तारीफ सुनना कैसा रहेगा, तो टेस्टिमोनियल वीडियोस वही है जहां आपके लॉयल कस्टमर्स वीडियो में बताते हैं कि उनको आपके प्रोडक्ट से क्या फायदा हुआ। इसे जब दूसरे व्यूअर्स देखेंगे तो उनके आपके कस्टमर बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये हुए कुछ वीडियो टाइप्स, वैसे इनके अलावा और भी वीडियो टाइप्स हो सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कैसे आप वीडियोस बना सकते हो किसी बिजनेस के लिए, स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं, क्योंकि ये स्टेजेस हैं आपके वीडियो मेकिंग प्रोसेस के। पहला स्टेज है प्लानिंग। इस स्टेज पर आपके वीडियो की प्लानिंग होती है। सबसे पहले तो इसमें आप ये एनालाइज करोगे कि आपके वीडियो का पर्पस क्या होगा। यह स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ गलत आपने डिसाइड कर लिया तो फिर आगे के सारे स्टेजेस में जो आप करेंगे उसमें भी गलतियां होंगी और हो सकता है कि आपको वापस से वो चीजें करनी पड़े। प्लानिंग स्टेज में आप जो चीजें करोगे वो हो सकते हैं ये।
आपके टारगेट ऑडियंस कौन है ये डिसाइड करोगे, गोल क्या होगा आपके वीडियो का, क्या कुछ बेचना है या ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, क्या करवाना चाहते हो आखिर ऑडियंस से, ये डिसाइड करना होगा आपको। कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस डालोगे, जैसे यूट्यूब या फेसबुक या कहीं और, बजट क्या है आपका, क्या क्या चीजें लगेंगे वीडियो को क्रिएट करने के लिए, और कैसे पता चलेगा कि आपको कि वीडियो सक्सेसफुल हुआ। कोई तो टारगेट या परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपको रखना होगा सोचकर, जैसे कि कितने लोगों तक पहुंचा तो इसे सक्सेस आप मानेंगे या कितना सेल्स होगा तो सक्सेसफुल होगा। फिर है स्क्रिप्टिंग, आपके वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी होगी आपको। पहले वीडियो को पेपर पर लाना होगा, जो भी उसमें सीन्स वगैरह होने वाले हैं उसे आपको डिटेल में लिखना होगा स्क्रिप्ट में। एक बार स्क्रिप्ट बन जाती है ना तो आगे के स्टेजेस में काफी आसानी होती है, क्योंकि फिर आप इसी को रेफर कर सकते हो। फिर है कैमरा और स्टूडियो सेटअप। अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हैं तो कैमरास की जरूरत पड़ेगी। आपके पास ऑप्शंस हैं अपने बजट के अनुसार कैमरास यूज करने का। अगर मोबाइल कैमरा आपका बढ़िया है, जो कि ज्यादातर स्मार्टफोन्स में होता ही है आजकल, तो वो यूज कर सकते हैं, या फिर DSLR कैमरास भी यूज कर सकते हैं अगर आपका बजट ज्यादा है तो, और अगर आपको बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियोस बनानी हो तो। पर देख लेना कि जरूरत है या नहीं। अगर एक्सप्लेनर या एनिमेटेड टाइप के वीडियोस बना रहे हो तो कैमरास की जरूरत नहीं पड़ेगी मोस्टली। फिर है कास्टिंग। अगर आप काफी एक्टर्स को लेकर कोई वीडियो बना रहे हो तो कास्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। किस किस तरह के एक्टर्स आपको चाहिए और वो आपके बजट में फिट भी होने चाहिए। फिर है शूटिंग। अगर आपके वीडियो में शूटिंग की जरूरत है तो इस स्टेज पर आप उसे शूट करोगे। फिर एडिटिंग करनी पड़ेगी। भाई आपने वीडियो तो बना ली पूरी, लेकिन उसमें से अनवांटेड फुटेज एडिट तो करनी पड़ेगी ना। एडिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है किसी भी तरह के वीडियो क्रिएशन में, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत सी चीजें शूट कर लेते हैं, लेकिन अब हमें उसमें जो इंपॉर्टेंट और बढ़िया है वही रखना है। इस काम के लिए बढ़िया एडिटर्स की मदद आपको लेनी पड़ सकती है। फिर है रिकॉर्डिंग योर वॉइस ओवर। तो आपकी वीडियो रेडी है और आपको उसमें ऑडियो ऐड करना है। देखिए, वॉइस ओवर जो होता है वो एक नरेशन होता है आपके वीडियो का। ये भी हो सकता है कि आपके वीडियो को वॉइस ओवर की जरूरत नहीं, जैसे आपकी वीडियो में सिर्फ जो कैमरा पर है वही लोग बोल रहे हैं, तो उनकी वॉइस को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन काफी वीडियोस, जैसे एक्सप्लेनर वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस, डेमोस एक्सेट्रा में वॉइस ओवर ऐड करना पड़ सकता है, जिसमें आप वीडियो में जो दिख रहा है उसे कहोगे, जैसा मैं अभी इस वीडियो में कह रहा हूं आपसे। दोस्तों, एक बात ध्यान रहे कि ऑडियो वीडियो जितना ही इंपॉर्टेंट है, बिजनेसेस इसके लिए प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट की मदद लेती है। फिर है चूजिंग म्यूजिक। आप अपने वीडियो में जो म्यूजिक यूज करेंगे, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो या सिचुएशनल म्यूजिक हो या जिस भी तरह का म्यूजिक हो, वो चूज करना होगा इस स्टेज पर। म्यूजिक सोच समझ कर चूज कीजिए, इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए वो। ऐसा होना चाहिए कि वो आपके वीडियो के सिचुएशन और कंटेंट के साथ मैच हो सके। और दोस्तों, आप अगर ऑनलाइन म्यूजिक यूज कर रहे हो तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि वो कॉपीराइटेड ना हो। वैसे आपको काफी सारे फ्री ऑफ कॉपीराइट म्यूजिक भी मिल सकते हैं ऑनलाइन। फिर है फाइनल एडिटिंग। इस स्टेज पर दोस्तों, आपके वीडियो में अगर जैसे कोई वॉइस ओवर डालना था तो डालकर फाइनल एडिटिंग करोगे, क्योंकि वीडियो में कौन सी जगह आपको वॉइस ओवर लगेगा उस हिसाब से आप फाइनल एडिटिंग करोगे। दोस्तों, वीडियो मार्केटिंग में सोशल वीडियो मार्केटिंग भी यूज होता है। अब ये क्या होता है? सोशल वीडियो मार्केटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लान का हिस्सा होता है, जो डिजाइन किया जाता है ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए किसी वीडियो पर सोशल एक्टिविटी के जरिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक वीडियो अपलोड की किसी कंपनी ने, वो चाहेंगे कि उस पर ऑडियंस का काफी एंगेजमेंट आए, यानी लोग उसे ज्यादा देर तक देखें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें उसे। ये सोशल एक्टिविटीज हैं सारी, तो इसे सोशल वीडियो मार्केटिंग कहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सीखा कि क्या होता है वीडियो मार्केटिंग, और वीडियो बनाने के कुछ स्टेजेस के बारे में भी जाना आपने, टाइप्स ऑफ वीडियोस भी देखे आपने। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया।
लाइक और शेयर करें सबके साथ। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पर, तो सीखते रहिए हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।